हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट। ये नीट कोड की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 802। आइए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम सेज दैट देयर इज अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स विद ईच नोड लेबल्ड फ्रॉम 0 टू n-1। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर अरे। ग्राफ वेयर ग्राफ आई इज एन इंटीजर अरे ऑफ नोड्स adjacent to node I, meaning that there is an edge from I to node graph I. A node is a terminal node if there are no outgoing edges. A node is a safe node if every possible path starting from that node leads to the terminal node or another safe node. Return an array containing all the safe nodes of a graph. The answer should be sorted in ascending order. तो मेरे पास जो एग्जाम्पल गिवन है, जिस एग्जाम्पल में 7 वर्टिसेस हैं और इस इन वर्टिसेस में से कुछ ऐसे वर्टिसेस हैं जो टर्मिनल नोड्स कहलाए जाएंगे, और टर्मिनल नोड्स वो होंगे जिनसे कोई भी आउटगोइंग एजेस नहीं होंगी, जिसकी आउट डिग्री जीरो होगी। इसके अलावा सेफ नोड्स वो होंगे जिनसे हम या तो टर्मिनल नोड में ट्रांजिट करेंगे या तो सेफ नोड में ट्रांजिट करेंगे। तो सेफ नोड्स होंगे जिनसे हम टर्मिनल नोड में ट्रांजिट करेंगे या फिर सेफ से सेफ में हम ट्रांजिट करेंगे। तो ये बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, इस गिवन ग्राफ के हिसाब से वो जो 6th नंबर वर्टेक्स है वो टर्मिनल नोड कहलाएगा, क्योंकि इससे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। सिमिलरली 5th नंबर वर्टेक्स भी हमारा टर्मिनल नोड कहलाएगा, क्योंकि इससे कोई भी आउटगोइंग एजेस नहीं है। बाकी की जो वर्टिसेस हैं उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या हम किसी वर्टेक्स से या गिवन वर्टेक्स से टर्मिनल नोड में स्विच कर रहे हैं क्या। तो आइए हम पहले वर्टेक्स नंबर 4 की बात करते हैं। तो जो वर्टेक्स नंबर 4 है वो मुझे 5 पे लेके जाता है, तो निश्चित रूप से 4 भी सेफ स्टेट माना जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल नोड पे लेके जाता है। इसके बाद वर्टेक्स नंबर 0 की बात करते हैं। हम कुछ एक केसेस देखते हैं। 0 से हम 1 जा रहे हैं, 1 से हम 2 जा रहे हैं, 2 से हम 5 जा रहे हैं। सो दिस इज 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 5 जा रहे हैं। नाउ अगर आप ऐसा केस माने कि 0 से आप 1 जा रहे हैं और 1 से आप 3 जा रहे हैं और 3 से आप वापस 0 आ रहे हैं, तो भी केस पॉसिबल है। देखिए, आप 0 से 1 जा रहे हैं, 1 से 3 जा रहे हैं और 3 से वापस आप 0 वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप वापस आ रहे हैं 0 पे, तो इसका मतलब मुझे साइकिल मिल गई। क्योंकि मुझे साइकिल मिल गई है इस वर्टेक्स पे, तो ये सेफ स्टेट नहीं हो सकता। तो पहला केस हमने ये निकाला कि अगर कोई ऐसा वर्टेक्स है जहां पे साइकिल मुझे मिल जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो सेफ स्टेट तो नहीं। पहला केस तो हमने ये देखा। इसके बाद हमने मार्क कर रखा है कि 4, 5, 6 मेरे सेफ स्टेट्स हैं। 1 नंबर वर्टेक्स की बात करते हैं, तो 1 नंबर से अगर आप 2 चले जाएं, और ऐसे नहीं, 1 नंबर से आप 3 चले जाएं और 3 से आप 0 आए और 0 से फिर 1 चले जाएं, तो इसका मतलब है कि इसमें भी साइकिल है। तो वर्टेक्स नंबर 1 से भी साइकिल क्रिएट होती है, तो वर्टेक्स नंबर 1 को भी हमने डिनाई कर दिया कि ये भी सेफ स्टेट नहीं हो सकती। अब इसके बाद वर्टेक्स नंबर 2 की बात करते हैं। तो वर्टेक्स नंबर 2 से अगर आप 0 चले जाएं और 0 से 1 चले जाएं और 1 से फिर 2 चले जाएं, तो यहाँ पे भी मुझे साइकिल मिल रही है, तो मैंने ये भी डिनाई कर दिया पॉसिबिलिटी कि 2 नंबर भी मेरा सेफ स्टेट नहीं हो सकता। 3 की अगर बात करें, सो 3 से अगर आप 0 जाएं, 0 से 1 आ जाएं और 1 से फिर 3 चले जाएं, तो इसका मतलब है कि ये भी सेफ स्टेट नहीं है। तो ऐसे सारे स्टेट जो साइकिल में इन्वॉल्व हैं वो सेफ स्टेट नहीं हो सकते। तो 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन 4 से स्टार्ट होने वाला कोई साइकिल नहीं है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई साइकिल नहीं है, 6 से स्टार्ट होने वाला भी कोई साइकिल नहीं है। तो इसका मतलब कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वर्टेक्स साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है वो हमारा वर्टेक्स सेफ स्टेट है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है। तो मुझे यहाँ पे जो गिवन है वो डीएफएस रिकर्सिव तो मेरा अपना फंक्शन है, तो इनका गिवन है वो इवेंचुअल सेफ नोड्स गिवन है। यहाँ पे एक वेक्टर और वेक्टर गिवन है, ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट है वो ऑलरेडी ग्राफ में गिवन है। सो हम कैसे मानेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट ऑलरेडी ग्राफ में गिवन है? तो आप देख सकते हैं कि 0 से कनेक्शन 1 और 2 है, 1 से कनेक्शन 2 एंड 3, 2 से कनेक्शन 5, 3 से कनेक्शन 0 और 4 से कनेक्शन 0 एंड 4 से कनेक्शन 5 का है, 5 से कनेक्शन कोई नहीं है और 6 से कनेक्शन कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ऑलरेडी एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है इस एग्जाम्पल में ग्राफ के फॉर्म में। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है इवेंचुअल सेफ स्टेट, जिसमें ग्राफ इनपुट की तरह से गिवन है। मैंने यहाँ पे इसमें ये पता कर लिया कि इसमें कितने वर्टिसेस हैं। एक टर्मिनल्स नाम का हमने वेक्टर ले लिया जो ये चेक ये एंट्री करता रहेगा कि कौन कौन से मुझे टर्मिनल वर्टिसेस मिले। साइकिल हमने देखा, साइकिल नाम का एक हमने वेक्टर ले लिया है, इन रिकर्शन ले लिया है। अगर हम सेम चेन में रहेंगे तो इन रिकर्शन में वैल्यूज 1 सेट होंगी। फिर जितने भी वर्टिसेस मेरे पास हैं उन सभी वर्टिसेस के लिए मैं साइकिल डिडक्शन एल्गोरिथम चला देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटस वेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ और डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करके हम देख रहे हैं कि क्या इस वर्टेक्स से स्टार्ट करके मुझे साइकिल मिल रही है कि नहीं। साइकिल डिडक्शन एल्गोरिथम अगर 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि मुझे साइकिल मिल गई है, अदरवाइज यहाँ पे साइकिल नहीं होती। तो आइए हम पहले डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में चलते हैं। तो डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में ग्राफ, स्टेटस, इन रिकर्शन और वो वर्टेक्स जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डीएफएस। स्टेटस आई को हमने 1 कर दिया, इन रिकर्शन को 1 कर दिया। जो भी कनेक्शंस हैं इस आई वर्टेक्स से वो इसका नेबर माना जाएगा, और अगर नेबर का स्टेटस 0 है तो हम डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को नेबर के साथ कॉल कर दे रहे हैं। और अगर ये 1 रिटर्न करता है मतलब इसको साइकिल मिलती है तो हम कॉलिंग फंक्शन को भी 1 रिटर्न करेंगे कि इसको साइकिल मिल गई। मान लीजिए कि नेबर स्टेटस ऑफ नेबर 0 ना हो के 1 है तो उस केस में अगर इन रिकर्शन में भी 1 है इसी नेबर के लिए तो हम 1 रिटर्न करेंगे, इसका मतलब है कि मुझे साइकिल मिल गई। आई होप आपने इसको देखने से पहले मेरा साइकिल डिडक्शन एल्गोरिथम की का वीडियो देख लिया है। और ये जो फंक्शन है फॉर लूप के अंदर ट्रू ही रिटर्न कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि हमने सारी पॉसिबिलिटी को एग्जॉस्ट कर लिया आई से और कहीं भी साइकिल आपको नहीं मिला, तो इन रिकर्शन में आप 0 सेट कर दीजिए और यहाँ इस फंक्शन से 0 रिटर्न कीजिए, जो कि एक इंडिकेटर है कि इसको साइकिल नहीं मिली। इवेंचुअल सेफ स्टेट पर फिर से वापस आते हैं और यहाँ पे हमने जो डी एफ एस आइडेंटिटी फंक्शन चलाया है वो हर एक वेक्टर के लिए, हर एक वर्टेक्स के लिए चेक कर लेगा इसको साइकिल मिली है कि नहीं मिली है। अकॉर्डिंगली एक साइकिल नाम के एरे में 1 या 0 सेट कर लेगा। साइकिल नाम के एरे में ऑलरेडी 0 सेट है हर जगह पे, केवल 1 सेट कर लेगा उन प्लेसेस पे जहां पे भी इसको साइकिल्स मिल गई। नाउ इसके बाद सेफ स्टेट नाम का हमारा वेक्टर है, अगर मुझे आईएफ पोजीशन में 0 है इसका मतलब है कि यहाँ मुझे साइकिल नहीं मिली है। तो सेफ स्टेट नाम का जो हमारा वेक्टर है उसमें आई को पुश बैक कर लेंगे क्योंकि ये आंसर में एडिशन हो रहा है इसका। एंड देन जब हम सारे वर्टिसेस को चेक कर चुके होंगे तो सेव स्टेट्स नाम का जो एरे है इसको रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए इसको रन करते देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। सबमिट करते हैं इसको। Can see that the submission has been accepted. So thanks for watching this video. We'll meet again with a new concept.